एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। टुडे वी विल डिस्कस हेनरी लॉ, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बाय वेरी सिंपल मेथड। आज हम लोग हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं। हेनरी लॉ डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाओ, क्या गैसेस लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं? यस गाइस, गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड, यस और नो? तो आंसर है एब्सोल्युटली यस, गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। और गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, तभी हमारे टिश्यूज तक वो ऑक्सीजन गैस पहुंच रही है बाय हीमोग्लोबिन। सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, स्प्राइट, कोक एटसेट्रा, इन सभी में CO2 गैस डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर। तभी उस बॉटल को जब आप ओपन करते हो ना, तो बॉटल का कैप हटाते से ही वो फिज्ड आउट होती है, उसमें से बबल्स आते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैस डिसॉल्व है। तो गाइज, गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, इसके हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। यहां हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी लॉ। हेनरी का कहना था कि गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, और वो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है या फिक्स्ड है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रहे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में गैस की सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड। गैस लिक्विड में जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी, गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहां हम लोग देख लेते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, और इस कंटेनर में हमने क्लोज कर दिया कंटेनर को, और कंटेनर के अंदर गैस फिल कर दी। तो गाइस, गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। और गैस का प्रेशर कहीं ना कहीं इस कंटेनर की वॉल और इस कंटेनर के कैप की वजह से आ रहा है। अगर ये कंटेनर का कैप हटा दोगे ना, तो गैस जितना प्रेशर इसकी सरफेस पर लगा रही है, वो प्रेशर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा, तो गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। जितनी गैस इसके अंदर डिसॉल्व थी, वो पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। और यही सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जब सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर की बॉटल को थोड़ा सा शेक करते हैं, और उसके बाद उसका कैप ओपन करते हैं। तो जैसे ही कैप ओपन करते हैं, उसके अंदर की गैस, जो डिसॉल्व गैस है, वो डिसॉल्व गैस बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर कम हो गया इनसाइड द बॉटल। तो इतना हम लोग समझ रहे हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सर्फेस ऑफ लिक्विड। ओ गाइज, ये ध्यान रहे, यहां पर टेम्परेचर होना चाहिए कॉन्स्टेंट। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बस हम इतना याद कर लें कि सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है? आखिर सॉलिबिलिटी टर्म जो ले रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस मीन्स amount of dissolved gas per unit volume दिख रहा है, yes। तो amount of dissolved gas per unit volume मतलब मेरे पास ये इतने volume का liquid है, इस liquid के अंदर इस particular volume में, volume चाहे 1 liter liquid हो, 2 liter हो, तो इस particular volume में कितनी gas dissolve हो रही है। जितनी गैस डिसॉल्व होगी इस फिक्स वॉल्यूम में, फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स कर लेना भैया टेम्परेचर वॉल्यूम, इस फिक्स वॉल्यूम में जितनी गैस डिसॉल्व होगी, वही उसकी सॉलिबिलिटी कहलाएगी। तो सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, इस बात का ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। ये जो टर्म है, ये हमारे न्यूमेरिकल को बहुत इजी कर सकती है, अगर इस टर्म का मतलब हमें पता है। और अगर ये टर्म हमें क्लियर नहीं है, तो दोस्तों न्यूमेरिकल करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हें नई नई वैरायटी मिलेगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस पर यूनिट वॉल्यूम,
अमाउंट को हम लोग ग्राम में ले सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, तो ग्राम पर लीटर में, या फिर अमाउंट को मोल्स में दे सकते हैं और मोल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मुझे डिनोमिनेटर में लेना है। मोल पर लीटर में हमें जो भी वैल्यू दी जाती है वो एग्जैक्टली सॉलिबिलिटी होती है। सॉलिबिलिटी की वैल्यू हमें जो यूनिट दी जाएगी ना, वो यूनिट होगी ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर। और दोस्तों, मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन भी तो बोलते हैं। तो गाइस, कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ गैस दिया जाए, हम लोग मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ये दोनों सेम है। तो मोल पर लीटर की जगह कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस बोला जाए, तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस बताया जाए या पूछा जाए न्यूमेरिकल में, तो वो एग्जैक्टली आपसे सॉलिबिलिटी पूछ रहा है। एंड रिमेंबर दोस्तों, सॉलिबिलिटी इज डिनोटेड बाय, काहे से डिनोट करते हैं सॉलिबिलिटी को, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस मतलब अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट करो, मैं रब कर रहा हूं। तो यहां पर हमें कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि गैस का प्रेशर सॉल्यूशन की सरफेस पर जितना लगेगा उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। सॉल्यूशन या लिक्विड की सरफेस पर ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। सॉलिबिलिटी का मतलब याद रखना गाइज, सॉलिबिलिटी मतलब अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट के लिए ग्राम या मोल आता है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर कुछ भी आ सकता है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को डिनोट कर रहे हैं हम लोग स्मॉल m से, ये तो क्लियर है। सॉलिबिलिटी मतलब अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर को डिनोट कर रहा है कैपिटल पी से। अब अगर मैं यहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करता हूं तो नो डाउट मेरे पास यहां आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के साथ पी जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी रहेगा। ये कॉन्स्टेंट कहलाता है हेनरी कॉन्स्टेंट, कहलाता है हेनरी कॉन्स्टेंट। हेनरी कांस्टेंट को हम सिंपली के से या के एच से, दोनों में से जो आपको सही लगता है, यार आप के लगा सकते हो या के एच ले सकते हो, के की बेस पर कैपिटल एच, तो ये कहलाता है हेनरी कांस्टेंट। यहां पर सॉलिबिलिटी है एम, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस गाइस यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, और यहां पर के है हेनरी कांस्टेंट, एंड नाउ व्हाट इज पी, पी है प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ये हेनरी कांस्टेंट जो है, ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे वेरी करता है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो हेनरी कांस्टेंट को याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ट्वेल्थ बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, या फिर हमारे आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स हो, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहती है। तो आप लोग सबसे पहले इतना नोट कर लो, ये के या के से हेनरी कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, बता रहा हूं मैं, आप लोग इतना नोट कर लो, कंडीशंस आगे भी हैं, फिलहाल इतना नोट करो आप लोग। ओके, तो होपफुली आप वीडियो पॉज करते जाओ, जब मैं साइड हो रहा हूं वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो फाइनली यहां पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और एक बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर वन ऑन हेनरी लॉ। गाइस याद रखना, ये फॉर्मूला नंबर वन है। अब आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर टू,
और मैं आपको बताता जाऊंगा हमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, M मतलब अमाउंट ऑफ गैस और P मतलब प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन गाइज अगर मान लो एग्जामिनर बोलता है कि हमारे पास टू डिफरेंट प्रेशर हैं, पहला प्रेशर लाइक 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसके बाद आ गया 7 या 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि हमारे पास टू डिफरेंट प्रेशर हैं, फर्स्ट प्रेशर को मैं डिनोट कर रहा हूं P1 से और सेकंड प्रेशर को डिनोट कर रहा हूं P2 से, तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी बात है क्योंकि M P के प्रोपोर्शनल है, तो P1 प्रेशर पे सॉलिबिलिटी होगी M1 और P2 प्रेशर पे सॉलिबिलिटी होगी M2, और इनको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो ये एक रेशियो बना देगा M1/M2 = P1/P2। ये आ गया फॉर्मूला नंबर टू, और फॉर्मूला नंबर टू तब लगता है जब आप टू डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट सॉलिबिलिटी निकालते हो। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, सॉरी टू डिफरेंट प्रेशर, टू डिफरेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट चलता आ रहा है, अभी आगे तक कॉन्स्टेंट ही चलेगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर टू। अब यहां पे M1 और M2 क्या है? M1 और M2 है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सॉलिबिलिटी का मतलब अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट की यूनिट क्या बताई थी मैंने? ग्राम या मोल। तो सॉलिबिलिटी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर। तो ध्यान रखना दो अलग अलग सॉलिबिलिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर होगी। तो ये आपके लिए आ गया फॉर्मूला नंबर टू। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और बड़ी स्पेशल कंडीशन। कभी कभी हमसे एग्जाम में टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस, ध्यान रहे अकेला अमाउंट निकालना है, मुझे सॉलिबिलिटी नहीं निकालनी है। सॉलिबिलिटी होती है अमाउंट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मुझे अकेला अगर अमाउंट निकालना है तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गाइज ऐसी सिचुएशन में अगर तुम्हें सिर्फ अमाउंट निकालना है ना, सिर्फ अमाउंट कि गैस कितना ग्राम थी या कितने मोल्स थी, गैस का अमाउंट निकालना है तो अमाउंट अकेला निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला लगेगा प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये तब, ये जनरली ये अमाउंट वाला क्वेश्चन तब आता है जब हमारे पास एक सिंगल लिक्विड है और इस सिंगल लिक्विड में हम डिफरेंट गैसेस डिसॉल्व कर रहे हैं लाइक गैस ए, गैस बी, गैस सी। अलग अलग गैसेस जब डिसॉल्व करोगे तो कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, कौन सी गैस कम डिसॉल्व हो रही है, ये डिपेंड करता है गैस के मोल फ्रैक्शन पे, और मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा? प्रेशर ऑफ गैस। तो गाइज मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, मान लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस मुझे ए की सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो ए का प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूंगा तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट, दैट इज के एच। सिमिलरली अगर गैस बी की मुझे सॉलिबिलिटी या प्रेशर पता करना है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, गैस बी का मुझे प्रेशर या सॉलिबिलिटी निकालनी है तो ऐसी सिचुएशन में बी का प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां आ जाएगा कॉन्स्टेंट के एच।
अब ये बताओ यार, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ पी ए अपॉन पी बी, तो क्या हो सकता है? स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, होपफुली डन। चलिए, तो नोट कर लिया है? गुड, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो यार, ज्यादा टाइम मिलता नहीं है वरना। तो यहां पर हमारे पास आ गया फॉर्मूला नंबर टू। फॉर्मूला नंबर टू हमें तब अप्लाई करना है जब हमसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस। अमाउंट का मतलब गैस की वैल्यू ग्राम में या मोल्स में। और ग्राम या मोल्स में जब भी गैस की वैल्यू पूछी जाएगी तो यार सिंपल फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली पी बी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, हम लोग ये बात जानते हैं, अगर मैं पी ए और पी बी दोनों का रेशियो ले लेता हूं तो ये दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू जनरली सेम होगी, तो वो यहां पर आ जाएगा पी ए के इक्वल, पी ए के सामने आ जाएगा एक्स ए डिवाइडेड बाय पी बी के सामने आ जाएगा एक्स बी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये मैं अलग से लिख रहा हूं बॉक्स बनाकर, ये आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मान लो टू गैसेस हैं और भी, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं तो हमें जिसकी वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली एक्स बी निकालूंगा तो ये आ जाएगा बी का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और जब मैं इनका रेशियो ले लूंगा एक्स ए अपॉन एक्स बी, तो एक्स ए की ये वैल्यू है एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के सामने ये वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स बी की वैल्यू है एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। फाइनली गाइज, डिनोमिनेटर में एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, मतलब ए के मोल्स डिवाइडेड बाय बी के मोल्स। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि पी ए अपॉन पी बी क्योंकि एक्स ए अपॉन एक्स बी के बराबर है, और एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो तो आती है एन ए अपॉन एन बी। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी ए डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन बी। ऐसे लिखने से बेनिफिट हमारा ही है, ध्यान रहे, हमें आगे कैलकुलेशन में इजी सारी चीजें सिंपल लगेंगी। तो गाइज, ये तो एक एक्स्ट्रा वर्क है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आप में से किसी को मोल फ्रैक्शन नहीं पता हो तो जो मैंने शुरू में लाइव लेक्चर्स लिए थे तो लाइव लेक्चर में सेकंड या थर्ड लेक्चर देख लेना यार तुम लोग, वहां पर तुम्हें मोल फ्रैक्शन और अदर कंसंट्रेशन टर्म मिल जाएंगी। फिलहाल यहां तक आप नोट करो, इसे कंप्लीट करो। यहां पर आ गया फॉर्मूला नंबर थ्री। फॉर्मूला नंबर थ्री यहां से स्टार्ट होता है, ये फॉर्मूला नंबर थ्री है, इसी को मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और मोल फ्रैक्शन का रेशियो जब मैं निकालूंगा तो एक्स ए अपॉन एक्स बी हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे लिए बेसिकली फॉर्मूला नंबर थ्री तो यही है, इसी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा या इससे यह सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर हमारे सामने आ गए हैं थ्री डिफरेंट फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया था एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सेकेंड फॉर्मूला तब लगता है जब टू डिफरेंट प्रेशर हो। और थर्ड फॉर्मूला तब लगता है जब हमसे पूछा जाए गैस कितने ग्राम या कितने मोल्स डिसॉल्व हो रही है। अब एक काम करो यार तुम लोग, पहले से नोट करो फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, फाइनली फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को और यहां पर कंडीशन देख लेनी है।
न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कंडीशंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये पहचानना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद कैलकुलेशन हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। तो ध्यान रहे, मैं आपको कंडीशंस क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां हम लोग 100 ऑफ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे और अगर हमें कंडीशन क्लियर नहीं है तो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लायक नहीं बचेंगे। रिमेंबर, कंडीशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है दी सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री एंड 1 atm, 1 atmosphere। यार ये कुछ दिया हुआ है वैल्यू, 1 atmosphere इज 6.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अभी मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने क्लियर करा था सॉलिबिलिटी की वैल्यू मोल पर लीटर में या ग्राम्स पर लीटर में गिवन होती है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को एक प्रेशर दिया है 1 atm। तो यार ये जो प्रेशर है इसको मैं P1 मान लेता हूं, 1 atm, और यहां पर एक सॉलिबिलिटी दी है जिसको मैं M1 मान लेता हूं, दैट इज 6.8 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर। देखो यार मैंने पहले ही क्लियर करा था सॉलिबिलिटी को कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस भी बोला जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया, इट मींस तुमसे सॉलिबिलिटी पूछी गई है और तुम्हें यहां पर दूसरा प्रेशर दिया है 0.78। जब भी दो दो प्रेशर दिए गए हो, सेकंड प्रेशर दिया है 0.78 एटमॉस्फेयर, मुझे दूसरे प्रेशर पे कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन मतलब सॉलिबिलिटी, दैट इज M2। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 3? गाइज वीडियो यहीं रोक दो, पॉज करो और एक बार ट्राई करके देखो यार क्या कुछ बन सकता है। यस, फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3। अपने आप को वीडियो में इन्वॉल्व करने के लिए, लेक्चर में इन्वॉल्व करने के लिए वीडियो पॉज करते जाना, नोट करते जाना, ध्यान रहे। तो हम लोग देख सकते हैं लगेगा फॉर्मूला नंबर 2। क्या है फॉर्मूला नंबर 2? M1 upon M2 इज इक्वल्स टू P1 divided by P2। इट इज वेरी सिंपल, टू डिफरेंट प्रेशर दिए हैं, एक सॉलिबिलिटी, एक वन सॉलिबिलिटी दी है, हमें अदर सॉलिबिलिटी निकालनी है। इट इज वेरी सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा M1 की वैल्यू है 6.8 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय M2। P1 इज 1 एंड P2 इज 0.78। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6. इसे M2 को मैं RHS में ले जाता हूं, तो M2 इज इक्वल्स टू 0.78 को यहां ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.8 × 10⁻⁴ इंटू 0.78। आप इसे कैलकुलेट करो, 6.8 × 0.78 आंसर तकरीबन 5.3 आने वाला है, 5.2 आएगा। तो आप जब कैलकुलेट करोगे 0.78 × 6.8 कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां आंसर आ जाएगा 5.3 × 10⁻⁴। ये आ गया हमारे पास M2। M2 मतलब सॉलिबिलिटी या कंसंट्रेशन इस प्रेशर पे। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो पहले वाली सॉलिबिलिटी की यूनिट देखी मोल पर लीटर, तो इसकी भी मैंने लिख दी है मोल पर लीटर, और इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, तो कमेंट कर सकता है। जल्दी नोट करो, ध्यान रखना टेम्परेचर फिक्स था 25 डिग्री, शुरू से आखिरी तक टेम्परेचर 25 डिग्री ही चला है। तो फाइनली ये हमारा इसका आंसर हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे किसी भी एग्जाम के लिए और हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, ध्यान रखना इस न्यूमेरिकल पे, क्योंकि यही वो पैटर्न है जो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड में मिल सकता है।
आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम्स में मिल सकता है। बहुत सिंपल है, बस बेसिक्स पर ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं एक बार रीड करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार कि बोर्ड पे स्पेस कम है, तो कम स्पेस में लिखने में कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आती हैं। तो मैं प्रॉपर बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। O2 is bubbled through water at 293 Kelvin. 293 Kelvin टेम्परेचर आ गया। चलो अंडरलाइन कर लेते हैं यार, जो वैल्यूज गिवन है उनको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, आगे हमारे लिए हेल्प मिलेगी। 293 केल्विन, अज्यूमिंग दैट O2 एग्जर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.98 बार। पढ़ के समझ में आ रहा है कि यार O2 जो है ना उसका प्रेशर है 0.98 बार। कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से आपका न्यूमेरिकल को सिंपल बना सकता है, अगर समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। The value of Henry constant for O2 is 34.84 kilobar. O2 का प्रेशर बार में दिया है लेकिन कांस्टेंट दिया है किलोबार में, तो पहले तो दोनों को सेम ले आते हैं बार में हम लोग। चलो देख लेते हैं यार यहां पे क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हम लोगों को टेम्परेचर दिया है, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू से आखिर तक सेम रहेगा हमेशा टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ O2 दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है 0.98 बार। उसके बाद दिया है कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी ऑफ O2, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूं, हेनरी कांस्टेंट दिया गया है, वैल्यू ऑफ KH दी गई है 34.84 किलो बार। तो इस क्लो बार को भी बार में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 34.84 × 10³ बार। ये बार में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी ऑफ O2, देखो यार सॉलिबिलिटी क्या मतलब बताया था सॉलिबिलिटी का, अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली हम लोगों को यहां पर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ नहीं है, हमें यहां पर सॉलिबिलिटी निकालनी है ग्राम्स पर लीटर में। तो गाइज वॉल्यूम को तो हम मान लेंगे 1 लीटर, हमेशा ऐसे न्यूमेरिकल्स में 1 लीटर वॉल्यूम हो गया। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, और अगर थोड़ा सा डेंसिटी लगा दोगे तो यही 1000 ml को आगे 1000 ग्राम मान सकते हैं। ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं ध्यान रहे, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आप आगे तक क्लियर रहो। तो ये वैल्यू तो कैलकुलेट करना नहीं है क्योंकि ये फिक्स होती है अनटिल एंड अनलेस इसको चेंज ना करा जाए। 1 लीटर वॉल्यूम मानते हैं, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर या 1000 ग्राम डेंसिटी मिलाने के बाद। एग्जैक्टली जो पूरा कैलकुलेशन है, जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है या पूरा कॉन्सेप्ट है, वो यहां पर लगा हुआ है। तुम्हें निकालना है अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ डिजोल्व गैस। और गाइज अमाउंट के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूं, अमाउंट मोल्स में या ग्राम्स में निकाला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, हम दोनों निकालेंगे जब तक हमसे न्यूमेरिकल में क्लियर मेंशन ना करा जाए। अगर क्लियर मेंशन कराए कैलकुलेट दी अमाउंट इन मोल्स तो चलेगा, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ डिजोल्व गैस इन ग्राम्स तो भी चलेगा, लेकिन अगर कुछ क्लियर नहीं है तो हमें मोल्स और ग्राम्स दोनों में निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, सॉलिबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फिक्स चलता है 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 ग्राम, और हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो लगाना है वो अमाउंट पे लगाना है, हमें अमाउंट निकालना है। अब एक बात बताओ यार, सबसे पहले ये जो चीज मैंने बताई ऐसे तो रफ साइड कहीं लिख लेना तुम लोग, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें अमाउंट पे हमने कोई कॉन्सेप्ट यूज करा है, अमाउंट वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 था, फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 3? तो सीधे आप देखोगे फॉर्मूला नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको वहां मेंशन करा था जब भी गैस का अमाउंट निकालना हो तो आप लोग यूज करोगे फॉर्मूला नंबर 3। तो गाइज यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 3, और फॉर्मूला नंबर 3 क्या है,
प्रेशर ऑफ गैस दैट इज ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन. एक काम करते हैं, प्रेशर दिया है, कॉन्स्टेंट दिया है, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. तो इसे केएच को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ये केएच को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा केएच. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है यस 0.98 बार. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है 0.98 बार डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट ये दिया हुआ. इसकी वैल्यू है 34.84 इंटू 10^3 बार. अब गाइस क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी जगह की कमी है, आप इसे प्रॉपर नोट करो, कैलकुलेशन करो. आप जब यहां पर कैलकुलेशन करते हो, इसे प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.8 इंटू 10^-5. तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ रही है वो है x. x मतलब मोल फ्रैक्शन. मैं बता चुका हूं जब भी अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट निकालने के लिए इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर फॉर्मूला. वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस. एंड अमाउंट मींस मोल्स और ग्राम्स. तो सबसे पहले हम लोगों ने x निकाल लिया. यार इतना नोट कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, होपफुली आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा. चलिए एक बार हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया. देखो कैलकुलेशन को लेके मत परेशान होना, हमारा फर्स्ट जो कंसर्न है वो है हमारा फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला लगेगा ये सीख लो, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हमारी इंप्रूव होती जाती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन सुधर सकती है, कॉन्सेप्ट तभी सुधरेगा जब आपको चीजें क्लियर हों, एक एक पॉइंट क्लियर हो. तो यहां पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया. अब यार हम लोग ये बात जानते हैं, अभी हमारे पास मोल फ्रैक्शन आया O2 का 2.8 इंटू 10^-5. ये अभी हमने कैलकुलेट करा. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू जिसका मोल फ्रैक्शन है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. तो टोटल मोल में दो चीजें हैं मेरे पास, वी हैव ओनली टू कॉम्पोनेंट्स ऑक्सीजन गैस एंड वाटर. तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब यहां पर एक और हिंट, देखो यार कैलकुलेशन अगर परफेक्ट करनी है तो इस बात का ध्यान रखना, हेनरी लॉ राउल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करे जाते हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर नीचे हमें कोई एक कोएफिशिएंट यूज करना है. जो कोएफिशिएंट ऊपर यूज कर चुके हैं उसे नीचे से हटा दो, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सिंपल है. तो यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. H2O के मोल्स कैसे निकालेंगे ये रफ साइड में आपको बता रहा हूं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अभी मैंने बताया था वॉल्यूम आपको फिक्स है 1 लीटर. 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर या 1000 ग्राम है ना, उसमें डेंसिटी यूज करेंगे ग्राम हो जाएगा. तो मास 1000 ग्राम फिक्स है भैया, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, इसको लेके मत परेशान होना. तो मास है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिकुलर मास 18 होता है. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 55.5. तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के होते हैं 55.5, फिक्स है बिल्कुल. तो मोल फ्रैक्शन यहां पर O2 का है 2.8 इंटू 10^-5. मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने रखी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स O2 डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स 55.5. अब क्या करना है हम लोगों को,
हम लोगों को ये 55.5 LHS में लेकर चले जाना है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, ये जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 55.5, तो ये हो जाएगा गाइज मल्टीप्लाई बाय 55.5, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। मैंने निकाले मोल्स, तो यूनिट होती है इसकी MOL, मोल। तो अमाउंट निकालने के काम में पहला अमाउंट तो आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल, और मोल कैसे आया, देखो यार कैलकुलेशन को लेके मत परेशान होना, बहुत सिंपल है। 10 की पावर माइनस 5 है, उसको हटाया हमने, बाकी 2.8 और 55.5 को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। रफ साइड कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। हमारे पास मोल्स आ गए हैं 1.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, मतलब इस न्यूमेरिकल में हमें निकालनी थी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी मतलब अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स है 1000 ml, 1000 ग्राम, अमाउंट की यूनिट मोल, अमाउंट मोल या ग्राम में निकाला जाता है। तो पहला काम तो कर दिया, मोल्स में निकाल लिया हमने, चलो ग्राम में भी देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगी सॉलिबिलिटी क्या। फिलहाल इतना नोट कर लो आप लोग, मैं सिर्फ कर रहा हूं। ओके, तो होपफुली आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। मोल्स आ गए, हाँ भैया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स O2 के आ गए हैं 1.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल, मोल में वैल्यू आ गई है। चलो ग्राम में भी निकाल लेते हैं, तो भाई आप लोग मुझे बताओ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला हमने बचपन से सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सेम फॉर्मूला H2O के लिए जो लगाया था वो O2 के लिए लगा रहा हूं, इक्वल करके आगे लिख दो या पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन मास ऑफ O2, मुझे मास ऑफ O2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 32 होता है O2 का, नंबर ऑफ मोल्स है 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब एक काम करते हैं, 32 को ले जाते हैं राइट साइड, ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस प्रॉब्लम, ये रफ कर रहा हूं, ये रफ वक्त था, तो ये हो जाएगा मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 32, ये यूनिट मोल में, ये ग्राम पर मोल में, तो फाइनली यूनिट आंसर आएगा ग्राम में। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 ग्राम। तो भैया ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, और फाइनली सॉलिबिलिटी हो जाएगी। देखो जब सब कुछ कैलकुलेट कर लो तो ये लास्ट की जो लाइन है ना, इसको लिखना मत भूलना, सॉलिबिलिटी ऑफ O2 हो जाएगी 0.05 ग्राम, ये आंसर आ रहा है, बस इसमें पर लीटर लगा देना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 0.05 ग्राम पर लीटर। अच्छा अगर तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां तो तुम ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस में लास्ट जो लिखा होगा, जो ऑप्शन है उसमें यूनिट जो होंगी वो मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर में है। अगर मोल पर लीटर में हो तो बस इतना सॉल्व कर देना भैया, 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इसको आंसर जब बनाओगे तो बस डिवाइडेड बाय लीटर कर देना, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही है, अगर मोल पर लीटर में है तो यहीं तक सॉल्व होगा, लेकिन अगर ऑप्शन ग्राम पर लीटर में है तो आप ग्राम तक लेकर आओगे और फाइनली उसे लिखोगे सॉलिबिलिटी ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, या जो भी गैस है ग्राम में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय L, बस डिवाइडेड बाय L इतना कर देना, तुम्हारा आंसर कंप्लीट। गाइज ये स्टेप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल को आपको अगर 3 times भी प्रैक्टिस करना पड़े तो जरूर करना, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा,
आपके हेनरी लॉ टॉपिक को परफेक्ट करेगा, क्योंकि ये हेनरी लॉ 12th सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड पे न्यूमेरिकल बनाता है। तो आप जल्दी से नोट करो इसे। हेनरी लॉ पर हमारा थर्ड न्यूमेरिकल और थर्ड वैरायटी। आपको वैरायटी पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पर कितनी वैरायटी से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वैरायटी पता होगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेम वैरायटी के, सेम पैटर्न के अगर हम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। चलिए फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यहां कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम गैस एट 20 डिग्री। 20 डिग्री पर हीलियम का मोल फ्रैक्शन है 3.2 × 10⁻⁶। तो यार एक काम करते हैं, हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें हीलियम का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁶। बिल्कुल क्लियर है। फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम। फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम, देखो यार तुम्हें हीलियम का प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक। अबव द सॉल्यूशन और हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है KH, हेनरी कांस्टेंट एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में वर्ड्स में लिखा होता है, गिवन हेनरी कांस्टेंट इज दिस, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैंने KH लिख दिया। हेनरी कांस्टेंट है 144.97 किलोबार। देखो यार सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा सा आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे, 97 जो है इसको हटाकर डायरेक्ट 144 जो है मैं इसे लिख रहा हूं 145। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लो बार को मुझे बार में कन्वर्ट करना है तो 10³ लगी, 10³ बार। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो गाइज। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें प्रेशर मोल फ्रैक्शन दोनों आते हैं, तो एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3। देखो तुम लोग इस बात को नोटिस करोगे, तुम हेनरी लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स MCQs देखोगे वहां हेनरी लॉ पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। कभी अगर सॉलिबिलिटी अमाउंट पर लीटर में आए तो तुम्हें अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट का फॉर्मूला नंबर 3। कई बार तुम्हें मोल फ्रैक्शन दिया जाए तो सीधे फॉर्मूला नंबर 3। तो क्या फॉर्मूला है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हेनरी कांस्टेंट है हमारे पास 145 × 10³, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन 3.2 × 10⁻⁶। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं 10⁻⁶ और 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 10⁻³, क्योंकि प्लस 3 इस माइनस 6 को कैंसिल करेगा, बचेगा माइनस 3। 3.2 और 145, तो 145 मल्टीप्लाई बाय 3.2। यार वीडियो पॉज करो, जल्दी कैलकुलेट करो क्या आ सकता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा अराउंड 464 प्रेशर। 464 मैं यूनिट क्या लिखूं इसकी, तो यूनिट मैं लिखूंगा बार। क्यों मैं बार लिख रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट की यूनिट जो दी गई है वही प्रेशर से आई है। और 464 × 10⁻³, ये माइनस 3 भी रहेगा ना, माइनस 3 बार, जिसे हम लिख सकते हैं 0.464 बार, क्योंकि 10⁻³ हटाऊंगा, 3 यूनिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। और इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। जल्दी आप लोग नोट करो इसे। अब आता है होमवर्क। तो होमवर्क क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। यहां मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई करना गाइस। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला काम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और दूसरी बात ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ट्राई करके यार कमेंट जरूर करना, मैं चेक करूंगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का और आपके आंसर का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, ये हमारे 12th सेंट्रल बोर्ड में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल। तो ये पास्कल जो है वो यूनिट है प्रेशर की।
298 केल्विन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी भैया सीधे बोला है क्वांटिटी, क्वांटिटी पता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ CO2 इन 500 ml. देखो यार वाटर की वैल्यू नहीं देते हैं तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर मानते हैं, जितना मिलीलीटर उसे उतना ग्राम मान लेंगे ताकि मोल निकल जाए। यहां वाटर 500 ml दिया है, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा हो। 500 ml सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर, तो तुम्हें प्रेशर दिया है, तुम्हें कांस्टेंट दिया है, तुम्हें निकालना है अमाउंट क्वांटिटी, सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S आर टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S एट STP 0.195 mol, सॉलिबिलिटी दी है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, अब ये न्यूमेरिकल जो है ना वो स्लोप बन के चला गया ऊपर, बट समझ लेना, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट इसके साथ, क्योंकि देखो हमें टॉपिक परफेक्ट करना है, परफेक्ट मतलब 0.1% की भी कमी नहीं रहा, तो ये इंटेक्स जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वहां से लिए हुए क्वेश्चन हैं, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.11 हेनरी लॉ पर है, 2.12 और 2.13 जिसमें न्यूमेरिकल सिर्फ 2.13 है। 2.11 में बोला है why gases tends to be less soluble at higher temperature, तो गाइज जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि उनका मूवमेंट फास्ट होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है, ध्यान रहे। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आप लोग प्रॉपर तरीके से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, हम लोगों के बीच इंट्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे एक रेगुलर मेंबर बनना, आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हो, अगर हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो और हमारे एक रेगुलर मेंबर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं एक नंबर यहां पर लिख रहा हूं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां आप लोग मैसेज ड्रॉप करना, ओनली व्हाट्सएप, रिमेंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, और इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके आपके आपका नाम, आपकी क्लास और आपके सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के साथ ये मेंशन जरूर कर देना, लाइक सब्जेक्ट्स PCM और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, गाइज ये मेंशन जरूर करना, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम अलॉन्ग विद 12th लाइक नीट और JEE, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंशन करना, प्लेन बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप के थ्रू आपको रेगुलर नोट्स, स्टडी मटीरियल शीट्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, और कुछ स्पेशल वीडियोज, काफ़ी स्पेशल वीडियोज भी आप लोगों को मिलेंगे जो नॉर्मली हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही रखते हैं, जो हमें सिंसियरली प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और हमारे सभी तरह के क्वेश्चंस का रिस्पांस करते हैं। तो गाइज ये कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल करना, कंप्लीट करना, नहीं अगर क्लियर हो तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करना या कमेंट करके हमें बता सकते हो अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो अगर कुछ क्वेरी है, थैंक यू वेरी मच।